एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो मैं वीक में एक बार तो करती हूँ। इसके अलावा जब मैंने अपने फेस पे हैवी मेकअप किया है एंड मुझे ज्यादा हैवी फील हो रहा है ना, सो तब मैं ये स्किन केयर फॉलो करती हूँ। उससे ना मुझे स्किन पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, आपको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है, सो मैं इस तरह के कंटेंट लाती रहती हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले ना मैंने हेयर बैंड लगा दिया ताकि मेरे हेयर आए ना मेरे फेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगी फेस वॉश एकदम अच्छे से। एंड फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे ये वेडिक्स का फेस वॉश। आपका कोई भी फेवरेट फेस वॉश ले सकते हो। ये फेस वॉश ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि आपको रिमूव नहीं किया, डायरेक्ट आप ये फेस वॉश यूज करोगे ना तो ये आपके मेकअप को ना एकदम अच्छे से रिमूव कर देता है। दैट्स व्हाई ना मुझे काफी पसंद है एंड ये ना आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी कर देता है। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया, उसके बाद ना मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, रिफ्रेश फीलिंग हो रही है ना। मेरे नोज पे बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है। मैं यूज करूंगी एनवाईबी का नोज स्ट्रिप। आपका कोई भी फेवरेट नोज स्ट्रिप यूज कर सकते हो अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है तो। बट ये ना मैं 15 दिन या एक महीने में एक ही बार करती हूँ, हर वीक पे नहीं करती हूँ। से इसको लगाने से पहले ना अपने नोज पे मैं थोड़ा बहुत पानी लगा दूंगी। सो ओके, नोज स्ट्रिप ना अच्छे से स्ट्रिप हो चुका है एंड इसको ना मुझे 10 से 15 मिनट तक रखना है। सो मैं 10 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। सो ना ओके, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको ना निकालना है, इसको बहुत दर्द होता है, सो डर भी लग रहा है, बट कोई निकालना तो पड़ेगा ही। कैमरे में फोकस नहीं हो रहा है बट इन रियलिटी इसने ना बहुत सारे ब्लैकहेड्स मतलब रिमूव कर दिए हैं। ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स निकाल लेना तो ये वाला ट्रिक एकदम सही है, बिकॉज हम लोग पार्लर में जाते हैं ना तो जो ब्लैकहेड्स निकालते हैं ना भाई बहुत दर्द होता है। सो उससे तो ये वाला बेटर लगा मुझे। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी स्क्रब, इसीलिए क्योंकि स्क्रब करने से ना स्किन जो है वो अंदर से एकदम डीप क्लीन हो जाएंगी एंड जो ब्लैकहेड्स थोड़े बहुत रह गए ना ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी, तो इसीलिए स्क्रब। एंड स्क्रबिंग के बाद ना अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का टी ट्री पिल ऑफ मास्क। इसको बिना भाई निकालते टाइम बहुत दर्द होता है, लगाना इजी लेकिन इसको निकालते टाइम ना हालत खराब हो जाती है। इसकी स्मेल ना मुझे आंखों में लग रही, इतनी ज्यादा कड़वी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है ना कि क्या बताओ। सो नाउ ओके, अब इसे को ना मैं थोड़ा सूखने दूंगी एंड थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बिकॉज मेरी आंख ना बिल्कुल भी नहीं खुल रही, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। सो ओके, अब मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। सो अब मैंने पिल ऑफ मास्क भी हटा दिया है एंड अब है लास्ट स्टेप एंड उसमें मैं ना लगाती हूँ अपने फेस पे ये वाला मास्क। ऐसा नहीं कि ये वाला कोई भी मास्क मैं लगा लेती हूँ जो मेरे पास होता है वो, बट सच को ना तो ये माइग्लेन का मास्क ना मुझे बहुत पसंद है, इसको ना मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ एंड मेरे पास एक और दो मास्क है, एक है लिप मास्क एंड एक है आई मास्क। इसको मैं यूज करने वाली हूँ कि ये किस स्टेप से वर्क करते हैं एंड इसका यूज तो मैं कई बार कर चुकी हूँ एंड अगर आपके पास ये वाला मास्क है ना तो आप कभी भी इसको लगा सकते हो आपकी स्किन पे ना, आपकी स्किन को ना एक अच्छा सा मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाएगा एंड आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा।
सो अब मैं पहले इसको लगा देती हूँ, आई मास्क को, फिर फेस मास्क को एंड फिर लिप्स को, तीनों को एक ही साथ में लगाएंगे ताकि हमारा ज्यादा टाइम खराब ना हो। ये ना मास्क बहुत अच्छा है, अगर आपकी स्किन डल एंड डस्की है ना तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है 149 रुपीज में। सो आपकी स्किन पे ना, मतलब ये ना मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ना इसको मास्क लगा दूंगी एंड उसके बाद ना मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, तो इसको लगाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के बाद आपको फिर फोन करती हूँ। ओके गाइस, एंड अभी भी ना ये मॉइस्चराइजर अभी मेरे फेस पे ही है, अभी फेस मास्क मैंने लगाया था ना उसको मॉइस्चराइजर अभी मेरे फेस पे है, इसके साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी बिकॉज ये बहुत ही जल्दी मेरे फेस में ना एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। स्किन केयर करने के बाद ना मैं आपको मेरा फेस ना नजदीक से दिखा देती हूँ। लुक एट माई फेस, एंड ब्लैक हेड्स तो ना एकदम, मतलब एकदम रिमूव ही हो चुके हैं, यहाँ पे ना ब्लैक हेड्स रह गए बिकॉज यहाँ पे ना मैंने लगाया नहीं था स्ट्रिप, मेरे से ना गलती से ऊपर की तरफ लग गया था ना इसीलिए। सो ओके गाइस, दैट वर इट दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, एंड आप अपना स्किन केयर कैसे करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड ओके गाइस मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।